जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर अमन साहू को आज कोर्ट में पेश किया गया, गैंगस्टर को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। तेलीबांधा पुलिस, माना यह जा रहा है कि तेलीबांधा पुलिस गैंगस्टर की डिमांड मांग सकती है। अमन साहू से तेलीबांधा गोलीकांड को लेकर पूछताछ होनी है। इधर एक और पेच है, गैंगस्टर अमन साहू झारखंड से चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। गैंगस्टर ने कहा कि इस बारे में उसके वकील बताएंगे। चुनाव लड़ने की मंशा, यानी वो सारी रियायतें मिलना शुरू हो जाएगा। गैंगस्टर अमन साहू को देखिए कोर्ट में लाया गया है, और चूंकि एक सीजीएम जो जज हैं वो छुट्टी पर हैं, तो इसलिए दूसरी अदालत पर गैंगस्टर को पेश किया गया है। और हम सीधा बात करेंगे। हाँ, चुनाव लड़ रहे हमारे अधिवक्ता बताएंगे, उनसे पूछिए, विशेष जानकारी लीजिए। आपने जो नामांकन भरने के लिए आवेदन किया? जी, नामांकन के लिए हो गई है साहब। देख सकते हैं चुनाव लड़ेंगे या नहीं गैंगस्टर अमन साहू, और इस बात की पुष्टि है अब वो जो उनके वकील है वो करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गैंगस्टर अमन साहू को अभी पेश है वो किया जा रहा है। जो आरोप लगे हैं उस आरोप पे कितना इत्तफाक? देखिए, मामला न्यायालय में लंबी थे, विशेष बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी जजमेंट आने दीजिए। बिल्कुल, ये अमन साहू कह रहे हैं कि न्यायालय मामला में लंबित है और इस मसले पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी अमन साहू को अदालत में पेश किया गया है और तेलीबांधा पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर। तो वकील बताएंगे, और जब वकील से पूछा जा रहा है तो वकील कह रहा है कि नहीं नहीं मामला अभी अदालत में है, तो आगे इस पर कुछ बताया जाएगा। तेलीबांधा पुलिस गैंगस्टर की रिमांड मांग सकती है। तेलीबांधा गोलीकांड को लेकर झारखंड से इसे लाया गया है प्रोडक्शन वारंट के तहत, ट्रांजिट रिमांड की डिमांड की जा सकती है। रायपुर कोर्ट में गैंगस्टर की पेशी हुई है, और एक जो बड़ा पेंच इस मामले में वो ये कि जो अमन साहू है वो झारखंड से चुनाव लड़ सकता है। झारखंड का ही रहने वाला है ये। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड से इसे रिमांड पर लाया गया है, प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया, माफ कीजिएगा। और माना यह जा रहा है कि तेलीबांधा पुलिस उसकी रिमांड ले सकती है, हालांकि पुलिस ने पहली बार रिमांड ली नहीं। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट? चुनाव लड़ने की मंशा, ये थोड़ा पेंचदार है मामला। युगल जी, देखिए अमन साहू से हमने बातचीत की है और उसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव हम भर चुके हैं, नामांकन फॉर्म भर चुके हैं, और जिस तरह से चुनाव लड़ेंगे नहीं या लड़ेंगे या नहीं उसके वकील हैं वो भी तय करेंगे और इस पर जानकारी वो दे पाएंगे। ललित, हम कोर्ट की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में अमन साहू को लाया गया है और यहाँ पर उसे पेश किया गया है। 3 दिनों की जो रिमांड है न्यायालय से बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन युगल हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, आगे भी युगल के पास हम जाएंगे एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर। युगल लगातार बने हुए। इधर रायपुर से एक तस्वीर वायरल हो रही है, इसमें एक हथियार तस्कर को अस्पताल में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से VIP ट्रीटमेंट इस तस्कर को दिया जा रहा है। प्रोफेसर गैंग के हथियार तस्कर है ये, और लोकेश अग्रवाल इसका नाम है। बेड पर लेटा हुआ है, सांस की बीमारी बताकर 19 अक्टूबर से अस्पताल में ये एडमिट है।
जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में आरोपी जो लोकेश है वो बिना हथकड़ी के रिश्तेदारों से मुलाकात करता है, पुलिसकर्मी बाहर बैठे रहते हैं, मैगजीन मिल रही है, मोबाइल उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे चाहे वो बात करता है, निगरानी के लिए दो पुलिस वाले वार्ड के बाहर तैनात हैं लेकिन आने जाने वालों की जांच होती नहीं। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल, सवाल ये भी कि आखिर एक आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है। ड्रग्स सप्लायर प्रोफेसर गैंग को हथियार सप्लाई करने का आरोप इस पर है। मेकाहारा वार्ड नंबर 8 में ये भर्ती है। सहयोगी युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, आरोपी को और बड़ा अपराध है, गंभीर अपराध है, वीआईपी ट्रीटमेंट। युगल के ललित जेल को सुधार गृह कहा जाता है और ऐसे में जो आरोपी है, बंदी है, वो सुधरेंगे कैसे? बहाना बना करके या फिर किसी बीमारी का हवाला दे करके वो आखिर अस्पताल तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैगजीन पढ़ रहा है, मोबाइल चला रहा है, सुरक्षा में पुलिस तैनात है लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में प्रोफेसर गेंद को जो हथियार सप्लाई करने वाला जो आरोपी है अग्रवाल, उसे जो सांस की तकलीफ को लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब वहाँ के वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है अगर आरोपियों को इस तरह के सुविधाएं मिलेगी, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो आखिर वो कैसे सुधरेंगे? जो करनी उन लोगों ने किया है, जो उसके दुष्परिणाम भी उनको भुगतने चाहिए, लेकिन इस तरह के कानून का फायदा उठा करके, अपने जो अधिकारों का फायदा उठा करके वो जेल तक से जो अस्पताल तक पहुँच जाते हैं और इस तरह के उन्हें सुविधाएँ दी जाती है। और यही वजह है कि आए दिन जो पुलिस के छुड़ा करके या फिर जेल प्रहरी हो या फिर पुलिस हो, उनसे आरोपी है वो फरार भी हो जाते हैं। जी चलिए चलिए, धन्यवाद युगल इस तमाम अपडेट्स के लिए। युगल हमारे सहयोगी विस्तार से अपडेट दे रहे थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी नॉर्मल आई हैं। और अब डी गैंग के आतंक की बात करेंगे। रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कुत्तों ने 6 साल के एक मासूम पर हमला कर दिया। ये मासूम घर के सामने खेल रहा था, इस हमले में बाल बाल जान बची इस बच्चे की। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और उसमें नजर आता है कि किस तरीके से ये जो डॉग है ये अचानक से हमला कर देते हैं। ये आवारा कुत्ते हैं, हालांकि बाल बाल इसकी जान बची और एक महिला पास में थी, उन्होंने आकर इन कुत्तों को भगाया। इधर सूरजपुर डबल मर्डर केस में एसपी पर गाजगिरी है। आईपीएस एमआर अहिरे को एसपी पद से हटा दिया गया है और अब आईपीएस प्रशांत ठाकुर सूरजपुर के नए एसपी होंगे। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। जिले में डबल मर्डर के बाद बवाल हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पुलिस की थू हुई थी और अब यही वजह है कि एसपी को हटा दिया गया है। अंबिकापुर में हथियार दिखाकर डराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब के नशे में लोगों को डरा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इसे मौके पर ही पहुंचकर गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद कर लिया गया है। संजीत पाल इसका नाम है, आदतन ये बदमाश है। गांधीनगर थाना इलाके के सरगवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ये पूरा मामला है। हथियार दिखाकर डराने वाला संजीत पाल गिरफ्तार। अंबिकापुर में एक दोस्त ने बिरयानी के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अकेले बिरयानी खाने पर आरोपी ने गुस्से में अपने दोस्त को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल में घायल जगदीश सारथी की मौत हो गई। ये दोनों दोस्त श्रीगढ़ में किराए के मकान में रहते थे, मजदूरी का काम करते थे। पुलिस ने कई दिनों से फरार आरोपी संजय एक्का को गिरफ्तार कर लिया।
अपना दिनांक को भी जब मृतक और आरोपी जो है वो बिरयानी जब लेकर के आए और उसके बाद में संजय उर्फ अमरेसिक का जो है वो शराब पीने को लेकर के कहीं बाहर चले गया और वापस में आकर के देखा कि मृतक जो है जगदेव सारदी पूरा का पूरा जो है बिरयानी खा लिया है। तत्पश्चात दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होना चालू हुआ और इसी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में मारपीट करने पर आरोपी संजय उर्फ अमर सिक्का ने मृतक जगदेव सारथी की जो है वो हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खबर सूरजपुर से, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति नशे की हालत में पत्नी से उसका विवाद हुआ और नशे में उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी को उसने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांजगीर चांपा में हसदेव नदी में बहे युवकों के शव मिल गए हैं। देवरी पिकनिक स्पॉट में नहाने के दौरान ये दोनों बह गए थे और एक युवक का शव कल शाम को मिला था, दूसरे युवक का शव आज बरामद कर लिया गया है। पिकनिक मनाने के दौरान ये दोनों देवरी पिकनिक स्पॉट से बह गए थे। इधर केशकाल घाटी में फिर से लंबा जाम लगा है। मरम्मत के काम के चलते ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। डायवर्ट की गई सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दुधावा मार्ग पर ट्रक पलटने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। इधर पेंड्रा में नरकंकाल मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जमड़ी खुर्द गांव में ये कंकाल मिला है। पास ही में कपड़े भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि महिला का ये कंकाल है। आशंका जताई जा रही है। प्राइम ऑफिसर प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है। सोन बचवार और जमड़ी खुर्द गांव के बीच सागौन प्लांट में ये कंकाल मिला है। बिलासपुर में बदमाशों ने एक युवती से 6 लाख रुपए ठग लिए। बदमाशों ने युवती को पार्सल से गिफ्ट आने का झांसा दिया। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी को अंजाम दिया गया। युवती को पार्सल में गैर कानूनी सामान मिलने का डर भी दिखाया गया। सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली बैठक के लिए सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम साय ने कहा कि आदिवासी इलाके के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन हुआ था, लेकिन 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम नहीं हुआ। अब अच्छा काम होगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में अब तक कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा न होने पर सीएम ने कहा कि रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी की रही है। इस बार बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी विपक्ष को मजबूत मानकर काम कर रही है। हम लोग पुनर्गठन में पिछली सरकार में अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे हमारी सरकार में, उसको हटा के विधायक को बनाए थे और हमको लगता है कि पिछले 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा काम होगा। रायपुर दक्षिण लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहां से पराजय योद्धा श्री बिजमोहन अग्रवाल जी 8 बार विधायक रह चुके हैं और अभी पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से भी ज़्यादा मतों से वो जीते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रहे हैं और भारी मतों से उसको जीतेंगे। हम तो विपक्ष को मजबूत मान के ही अपना काम कर रहे हैं। इधर रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की आज घोषणा हो सकती है। प्रत्याशी का नाम फाइनल हो चुका है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, आकाश शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं उस नाम पर सहमत हैं। जल्द आकाश शर्मा के नाम का ऐलान हो सकता है। ये और बात है कि प्रमोद दुबे जो हैं वो भी एक फॉर्म खरीद चुके हैं। रायपुर दक्षिण सामान्य सीट है,
कुल जो वो वोटर हैं वो 260,000 के करीब, और इसमें ब्राह्मण वर्ग के जो वोटर हैं 28,000 मुस्लिम मतदाता और ब्राह्मण वर्ग के वोटर जो हैं वो फैसलाकुन स्थिति में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर सियासत जारी है। बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस के उम्मीदवार तय नहीं होने पर उन्होंने कहा है कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक जगह चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वायनाड पर है। उन्होंने कहा कि वायनाड से सब फ्री होंगे तब ध्यान आएगा कि कहीं और भी चुनाव हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का मतलब नेहरू खानदान है। सिर्फ फ्री होने के बाद उनको पता चलेगा कि देश में और कहीं चुनाव है, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब नेहरू खानदान है और पहली बार चुनाव लड़ रही मतलब पूरा कांग्रेस वही है। कांग्रेस भवन के एक कमरे में बैठ के एक कमरे की राजनीति में एक खानदान की स्तुति हो सकती है, उससे ज्यादा की जानकारी नहीं जुटाई जा सकती। इसलिए उनके बयान प्रतिक्रिया के लायक नहीं रहते, लेकिन आप लोग पूछते हैं तो मैं दे देता हूं प्रतिक्रिया। और देखिए, आप उम्मीदवार खोज रहे हैं, हमारे निर्वाचन अधिकारी तय हो गए संगठन चुनाव के, रायपुर दक्षिण में आप कांग्रेस के उम्मीदवार खोज रहे हैं। इधर कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है। कांग्रेस के कई नेता नामांकन पत्र खरीद रहे हैं, इसे लेकर सियासत भी हो रही है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार घोषित करने में 4 दिन बाकी हैं, नामांकन के लिए कार्यकर्ता कैंडिडेट सभी तैयारी में हैं, जल्दी घोषित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जो दावेदार नामांकन पत्र खरीद रहे हैं वो पंडितों की राय पर ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, 25 तारीख रायपुर के लिए जो उपचुनाव होना है रायपुर दक्षिण के लिए, नामांकन की अंतिम तारीख आज 22 दिन, लेकिन कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई कि वहां पर किसको चेहरा बनाएंगे। 4 दिन बाकी हैं अभी तो नामांकन के लिए, तो कोई जल्दी वैसे मुझे नहीं लगता है कि है, सब तैयारी में है। सस्पेंस तो बना हुआ है ना कि कौन है, जो दावेदार है उनमें भी एक सस्पेंस है कि मैं टिकट लूं। पंडित जी लोग का भी रहता है ना साहित्य कि इस साहित्य को अगर है तो आप डाल दो, तो अगर नॉमिनेशन नहीं होता है और वो साहित्य अच्छी है तो उन लोग डाल के फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब बिल्कुल 24 तारीख के आखिरी लम्हे पर ही उम्मीदवार कांग्रेस घोषित करेगी, सबको चौंका देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से पहले भी हो सकता है। लेकिन सर, इसी चीज का, क्योंकि आप लोग जो सस्पेंस कांग्रेस ने बना रखा है, इसी चीज का फायदा बीजेपी उठा रही है। वो कह रही है कि हमने तो अपना सब कुछ साफ कर दिया, उम्मीदवार घोषित कर दिए, नामांकन, कांग्रेस का दूल्हा कौन यही नहीं पता, बाराती तैयार है। उनको जल्दी रहती है हमेशा ऐसा दिखाने की कि हाँ हम ने पहले कर दिया, हम लोग को जल्दी नहीं है, निर्णय लेना है, बड़े निर्णय होते हैं ये। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की बैठक में संगठन पर्व के तहत सदस्यता अभियान की समीक्षा हुई है और आगे क्या करना है इसका रोडमैप तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि सदस्यता अभियान को बीजेपी एक पर्व के रूप में लेती है, बूथ इकाई से लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लक्ष्य तय किए। किरण सिंहदेव ने यह भी कहा कि आगे क्या फैसले लिए जाएंगे ये आने वाली बैठक में तय होगा। पार्टी हमारे सदस्यता अभियान को और एक पर्व के रूप में लेती है, हम त्योहार के रूप में लेते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी का। और ऑनलाइन सदस्यता के लिए और जो जो लक्ष्य निर्धारित हैं और सभी प्रांत ने बहुत मेहनत की है हमारे। और इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर, जबलपुर से। जबलपुर में हसनैन अंकिता की शादी का मामला, हसनैन और अंकिता दोनों कोर्ट में पेश हुए हैं, कोर्ट के बंद चैम्बर में सुनवाई हुई है, दोनों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। 15 दिनों के लिए अंकिता को नारी निकेतन भेज दिया गया है और युवक को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला हो गया, तेलंगाना के जो विधायक हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया कि फ्रिज में लड़की कटी हुई मिलेगी, इस वजह से ये शादी नहीं होनी चाहिए।
तो पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला है और विधायक टी राजा के वाहियात बेवकूफाना बददिमागी भरे बयान के बाद ये मामला और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। नारी निकेतन भेज दिया गया है युवती को बंद कोर्ट में, कोर्ट के बंद चैंबर में सुनवाई हुई है। दोनों ने अपने अपने बयान दर्ज करवा लिए। 15 दिनों के लिए जो युवती है वो नारी निकेतन में रहेगी और युवक को पुलिस की सुरक्षा में रखा जाएगा, कस्टडी में पुलिस की सुरक्षा में रखा जाएगा, माफ कीजिएगा। ये निर्देश अदालत की तरफ से दिए गए हैं। हसनैन और उनकी महिला, उनकी जो प्रेमिका है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मामला दरअसल प्यार और इश्क में बंट गया है। प्यार वालों के अपने तर्क हैं, इश्क वालों के अपने हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट हुआ है, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है दो, एक युवक और युवती की शादी का है जिसमें दोनों ने कोर्ट में आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद दोनों को 18 नवंबर की तारीख दी गई थी, लेकिन इसके पहले ही जब परिजनों को नोटिस मिला तो उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ गया और परिवार वालों ने बच्ची को वापस अपने घर ले जाने की कोशिश की। जबलपुर में आज दोनों ही युवक और युवती कोर्ट में पेश हुए जहां उन्होंने अपनी बात रखी है। बंद कमरे में उनके बयान दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 15 दिनों के लिए लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है और लड़के को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस मामले में सुनवाई क्या हुई, क्या तर्क दिए गए, क्या बात रखी गई, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों को फिलहाल अलग अलग कर दिया गया और पुलिस की सुरक्षा में उन्हें रहने के निर्देश दिए गए। ठीक, धन्यवाद पवन। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।